नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। अभी हम खड़े हैं भिदहा प्रखंड क्षेत्र के पौरसौना पंचायत में, जहां 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव होने हैं और प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर पंचायत के सभी प्रत्याशियों ने अपना जोर शोर लगा डाला है। और आइए जानते हैं, हमारे एक प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं पौरसौना पंचायत से, मुखिया प्रतिनिधि, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना सिंह हुआ। आप पंचायत में पहली बार प्रत्याशी बने हैं? नहीं, हम इसके पहले, इसके पूर्व 10 साल मुखिया रहा हूँ। इस बार आपका चुनावी एजेंडा क्या है? मेरा चुनावी एजेंडा है कि मेरे नहीं रहने के बाद जो मुखिया रहे हैं, वो भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। कार्ड जैसा चीज में 2000 लोगों से, गरीबों से ठगा जा रहा है। तो मेरा पहला प्राथमिकता है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना। आपको कितना विश्वास है कि इस बार आप चुनाव जीत? हमको पूर्ण विश्वास है। मैं जब मुखिया बना 2006 में, तो 6 वोट से जीता था, और मेरे काम के बदौलत मेरी जनता ने इतना हमको प्यार और स्नेह दिया कि हम दूसरा चुनाव 750 वोट से जीते। और उसके बाद चुनाव 2016 में आया, तो मेरे विरोधियों ने एक साजिश रचा कि पंचायत भवन बन रहा था, कि मुन्ना सिंह अगर पंचायत भवन, मुन्ना सिंह को अगर मुखिया बनाया जाता है तो पंचायत भवन लक्ष्मीपुर में बना लिया जाएगा, इसलिए इनको नहीं बनाया जाए, दूसरे को बनाया जाए तो मुराडी बाजार में बनेगा। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि मैं जिंदगी में कभी चुनाव हार जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना ना काम किया जनता को। हमने बीपीएल एपीएल जब आया था, तो 1300 लोगों का बीपीएल का कार्ड बनाया। उसके बाद जो है खाद्य सुरक्षा का आया, तो उसका 1300-1400 कार्ड बनाया हमने। पेंशन जो है, मैं जब मुखिया हुआ 2006 में, तो 17 पेंशन चल रहा था, 800 पेंशन हमने पास किया। मैं जो 10 साल पहले चापा कल करवाया था, जिसका दाम 4500 रुपया था सरकार का, लेकिन इन मुखिया के कार्यकाल में भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा में है कि जल नल का 50% जो 15 लाख की लागत से जल नल बना है, हमारे पंचायत में 50% ध्वस्त है। इंदिरा आवास में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबों का शोषण किया जा रहा है। मेरा एजेंडा है कि अगर पंचायत की, मेरा एजेंडा है कि अगर पंचायत की जनता मुझ पर विश्वास करती है, तो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, और विश्वास ही नहीं, देखने को मिल रहा है। आप देखिए, अपार जनता मेरे समर्थन में है। मुझे आशा है कि मैं पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत जाऊं। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप लोग सभी 12 तारीख के मतदान करें, और जाकर ईवीएम के तीसरा नंबर पर कलम दबा के बटन को दबाएं, और हमें विजयी बनाएं, और पंचायत को भ्रष्ट मुक्त बनाएं। अभी हमने जाना, यहाँ के एक मुखिया प्रत्याशी है जो अपना चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार सिंह। इस बार जो पौरसौना पंचायत में मुखिया का चुनाव हो रहा है जी, तो अपना मुखिया के रूप में किसको पसंद करें? हम लोग मुखिया के रूप में सबसे बढ़िया चेहरा और सबसे साफ सुथरा छवि वाला जो है मुन्ना सिंह जी हैं, और अपने पूर्व में भी बहुत अच्छा काम किया है, और अभी मुखिया न रहते हुए भी जितना काम करते हैं, इस एरिया के जितने लोग होते हैं, जितने अच्छे लोग हैं, अगर कहीं भी परेशानी अगर फंसता है, कहीं भी दिक्कत होता है, तो ये जानते जाते हैं, और इनको जो है कहीं से भी कोई मदद करने में हिचक नहीं होता है। इनको जब भी खोजा जाता है 12 बजे रात को, चाहे बीमारी हो, चाहे हर तरह का जो भी सुविधा हो, ये मुहैया कराते हैं। कितना समर्थन मिल रहा है? अपार समर्थन के साथ हो रहा है। पिछले बार जनता गुमराह हो चुका था, और जो है अब देख लिया है जनता, यहाँ का जो मुखिया है वह हर चीज़ में भ्रष्ट है। चाहे उसके पास ऐसा मुखिया है जो डांट देता है, वो ऐसा मुखिया है कि जो अपना वजूद बेच देता है। 2025 में कोरोना काल में एक एक राशन कार्ड बनवाया है। कितना भरोसा है आपको इस बार? 110% भरोसा है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं। सर आइए, क्या नाम है आपका? ममता देवी। इस बार पौरसौना पंचायत से मुखिया के रूप में आप लोग किसको पसंद कर रहे हैं? मुन्ना सिंह को। क्यों? क्योंकि मुन्ना सिंह हमारे बहुत अच्छे इंसान है, वो किसी से घूस उस नहीं लेते हैं, और सब काम बहुत आराम से करते हैं। महिलाओं का कितना समर्थन उनको मिल रहा है? पूरा पूरा, पूरा एकदम। कितना भरोसा है? 100% भरोसा है, एकदम 100% हमारे महिलाओं से भरोसा है।
क्या नाम है आपका? आई सुन्या सर। मुखिया के रूप में किसको पसंद कर रहे हैं? हमने के मुन्ना मुखिया का हमने के उहा के बहुत पसंद करी ले जान, बहुत चीज के रक्षा करी ले। क्या करते हैं? इंदिरा आवास, राशन कार्ड, सब कुछ हमने के। कितना भरोसा है आपको? हाँ, इस बार हमने के 100% भरोसा बा उहा पर। तो यहाँ जो महिलाएं हैं, महिलाओं का भी काफी उनको समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ एक और युवा जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा मनोज सिंह नाम है। युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? अरे 104 पर 110% मिलेगा। कितने युवा साथ हैं? अरे इनको पूछिए मत कितने साथ हैं, ठीक है? सिर्फ मुखिया बनने से नहीं होता है, बोली में भी होना चाहिए, आवाज में भी होना चाहिए और बाजू में भी ताकत होना चाहिए। अभी आपका नाम क्या है? पवन सिंह मेरा नाम है। इस बार मुखिया के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुन्ना सिंह मुखिया, पूरा पूर्ण बहुमत है उनका। और यहाँ हमारे परसौना पंचायत ही नहीं बल्कि हमारी पड़ोसी जो पंचायत है वो लोग बोलते हैं कि मुन्ना सिंह मुखिया जी अगर हमारे पंचायत से लड़ जाए तो हम उनको पूर्ण बहुमत से बना दे, मुखिया बना दे। 100% सब लोग पूर्ण बहुमत है उनका। तो हमने यहाँ के ग्रामीणों का प्रतिक्रिया जाना। बगहा से पटना न्यूज 24 के लिए सुभान अंसारी।